ओशन और साउथ एशिया में बढ़ते चीन के प्रभाव अब अमेरिका के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में चीन धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और अमेरिका से विश्व के सबसे ताकतवर देश होने का ताज भी छीन सकता है। इसलिए अमेरिका ने अब चीन को झटका देते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता कर लिया है। हाल ही में हुए आकस्मिक समझौता चीन के लिए पहले ही बड़ा झटका था, लेकिन अब अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को बॉम्बर B-21 देने की बात कही है। तो आखिर क्यों चीन इस बात से परेशान है, आइए जानते हैं। अमेरिका का हाईटेक बॉम्बर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लगातार सुर्खियों में रहा था। 30 साल पहले डिजाइन किए गए इस बॉम्बर को अब अमेरिकी वायुसेना ने पुराने बेड़े से बदलने के लिए तैयार किया है। ये बॉम्बर लंबी दूरी तक परमाणु बमों और पारंपरिक बमों के साथ हमला करने में सक्षम है और अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रायड का भी हिस्सा है, जो किसी भी देश की सेना को बेहद मजबूत बनाते हैं। रेडर जेट के नाम से मशहूर ये बॉम्बर दुश्मनों के इलाके में ना सिर्फ घुस सकता है बल्कि आसानी से अपना लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। जास्मी आर पारंपरिक क्रूज मिसाइल से लैस करने के साथ साथ इसमें जॉइंट अटैक डायरेक्टेड सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब भी फिट किया जाएगा, ताकि किसी भी एयर स्ट्राइक को सफलता से पूरा किया जा सके। बता दें कि ये बॉम्बर 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा, लेकिन अब तक इसकी स्पीड और रेंज के बारे में अमेरिका ने कोई खुलासे नहीं किए हैं। माना जा रहा है कि B-21 बॉम्बर अपनी संरचना में B-2 जैसा ही है, लेकिन दोनों की खासियत में बहुत अंतर है। ये अत्याधुनिक और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी से लैस है। आकस्मिक समझौते के बाद अमेरिका अपनी परमाणु पनडुब्बी की तकनीक और खतरनाक फाइटर जेट F-22 ऑस्ट्रेलिया को देने पर राजी हुआ है। वहीं चीन ने इसे ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते आकस की निंदा करते हुए इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना और छोटी सोच का उदाहरण बताया। चीन ने रक्षा समझौते की निंदा करते हुए कहा कि ये शीत युद्ध की मानसिकता को दर्शाता है। इससे पहले ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एक विश्व सुरक्षा समझौते की घोषणा की थी। इस समझौते के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पनडुब्बी की तकनीक भी मुहैया कराएगा। इस नए सुरक्षा समझौते को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।